हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं चना चाट बनाने। तो चना चाट बनाने के लिए हमने चना लिया है और ये 250 ग्राम चना है और इसको हम अच्छे से बॉईल कर दिए हैं। और यहाँ पर इसे बनाने के लिए ये बड़े साइज का प्याज काटे हैं, ये छोटे साइज का है, ये सलाद के लिए है, हरा धनिया, एक कटी हुई लाल मिर्च, ग्रीन मिर्च है सॉरी, और ये थोड़ा सा टमाटर है सलाद के लिए। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए, कढ़ाई मेरी हीट हो चुकी है तो इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल को थोड़ा हम गर्म करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा। अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को थोड़ा फ्राई होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट है और इसे हम थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। तो देखिए, ये मसाले से तेल अलग हो रहे हैं, तो मेरा मसाला हो गया है। और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मसाला। अब हम इसे चलाएंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डाल देते हैं आलू, बॉईल किया हुआ है, ये चने के साथ हमने बॉईल कर लिया था। और अब हम इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे चलाएंगे, इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए तो अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छी इसकी मिल्टी बनती है और चना चाट खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और मसाले में भी नमक हमने यहाँ इसमें रहता है, सारे मसाले में जो सूखे मसाले हैं, पैकेट के मसाले आते हैं इसमें, तो पहले से मसाला रहता है। और हम इसमें ऐड करेंगे चना चाट मसाला, तो इसमें भी नमक रहता है, तो आप उसी के हिसाब से ध्यान में रखते हुए ही नमक डालिएगा। तो नमक हम डाल देते हैं थोड़ा सा, और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके चलाते रहेंगे और थोड़ा सा इसे फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल किया हुआ चना है, इसको चने को हम डाल देते हैं और अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे। इसे अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि चने में मेरा जो मसाला है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले चने। इसे मिक्स करके पकाना है अच्छे से। ये देखिए, मेरा हो चुका है।
फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस डाल देते हैं। इससे चने का फ्लेवर जो है कि काफ़ी अच्छा लगता है और इसका फ्लेवर अलग चेंज होता है, बहुत ही टेस्ट खट्टा खट्टा। और चना चाट है तो इसमें खट्टापन थोड़ा सा कंपलसरी है कि डालना ज़रूरी है, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, इसे थोड़ा सा चलाते रहेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये जो लेमन का खट्टापन है वो ज़्यादा ना रहे, ये थोड़ा सा चेंज हो जाए, बस इतना ही हमको रखना है इसकी मेंटिटी। तो ज़्यादा खट्टा रहेगा तो लेमन लेमन सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल, इसलिए हम इसे पकाते समय ही इसमें हम डाल दिए हैं। तो मेरा अच्छे से ये पक चुका है, बहुत ही टेस्टी। अब हम इसे निकाल लिए हैं, सर्व के लिए ले जा रहे हैं। तो अब हम इसमें कुछ कटा हुआ सब सलाद हम ऐड करेंगे। तो इसमें डालेंगे कच्चा प्याज, टमाटर, हरा मिर्च कटा हुआ बारीक, टमाटर डाल दिए हैं और धनिया डाल देते हैं ऊपर से कटी हुई है। और इसमें हम डाल देंगे नमकीन भुजिया, इससे और टेस्ट बढ़ जाता है। तो तैयार है मेरा टेस्टी नाश्ता, चना चाट, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी झटपट से तैयार हो जाता है, बहुत ही हेल्दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि जो मैं वीडियो लेकर आऊँ नई रेसिपी उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।